Hello friends, welcome to Impact Spots, the world of import and export, a part of Global Federation of Entrepreneurs. Thank you so much for the valuable response जो आप अभी हमारे videos के ऊपर comments कर रहे हैं. आप जानना चाहते हैं कि आप किस तरह से export field में आगे बढ़ सकते हैं. तो जो भी आप comment करते हैं उसी में से हम कुछ questions लेते हैं और वो questions का solution देने की कोशिश करते हैं. तो आज हमारे पास कुछ questions आए हैं जो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, जो कि है एक क्वेश्चन जोवा की एग्रो फ्रूट्स का है, जो हमें पूछ रहे हैं, हेलो सर, हमारी कंपनी है राजस्थान से, हम फ्रोजन एंड ड्राई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का वर्क करते हैं, तो हमें एक्सपोर्ट में जाना है, तो कैसे हेल्प मिलेगी. और उसी से सिमिलर दूसरा एक क्वेश्चन हमसे पूछा है अरमान हुसैन मकवाना जी ने, जो कि पूछते हैं, आई वॉन्ट टू स्टार्ट एग्री प्रोडक्ट बट आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस अबाउट एग्री प्रोडक्ट. सो थैंक यू सो मच जोवाकी जी और हुसैन जी क्वेश्चन पूछने के लिए. जोवाकी जी, मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप दो बिजनेस के अंदर हैं, जो कि है ड्राई फ्रूट्स और एग्रीकल्चर. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हेल्प की जरूरत नहीं है, आप खुद ही में एक बड़ा हेल्प है. क्यों? क्योंकि ड्राई फ्रूट्स में सबसे ज्यादा पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड में इंडिया सेकेंड या थर्ड नंबर पर आता है, जहां पे वो एक्सपोर्ट करता है कैश्यू. यस, कैश्यू सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है हमारे इंडिया से, क्योंकि प्रोडक्शन ही इतना सारा होता है और उस हिसाब से ही गवर्नमेंट भी उनको सपोर्ट करती है, जिनके लिए उन्होंने अलग से एक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनाया है कैश्यू का. तो वो भी आप गूगल कर सकते हैं, जिसका नाम है कैश्यू एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल. वहां से भी आप पूरी डिटेल्स ले सकते हैं, जो अगर आपको ड्राई फ्रूट्स का एक्सपोर्ट करना है. तो रही बात आपके वेजिटेबल प्रोडक्ट्स की, और हुसैन जी का भी प्रोडक्ट है कि एग्री प्रोडक्ट है, तो उन्हें भी एक्सपोर्ट जानना है, बट कैसे करना है पता नहीं है. तो सर, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नॉर्मली अगर आपको कोई भी एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करना होता है, तो आपको चाहिए रहता है आपका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट लाइसेंस. आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस आ जाने के बाद आपको चाहिए रहता है पोर्ट रजिस्ट्रेशन या आईसीडी रजिस्ट्रेशन. ये पोर्ट क्या होता है, ये आईसीडी क्या होता है, आपको नहीं पता होगा. अगर आप फ्रेशर हैं तो जो ऑलरेडी ये फील्ड में है, दे आर ऑलरेडी वेल वर्स्ड विद क्या होता है. पोर्ट मतलब जहां पे शिप आता है उसे कहते हैं हम पोर्ट. दो ही पोर्ट है, एक होता है सी पोर्ट, एक होता है एयरपोर्ट, और दूसरा होता है आईसीडी, इनलैंड कंटेनर डेपो. जो पूरी प्रक्रिया पोर्ट के ऊपर होती है, वही पूरी प्रक्रिया आईसीडी पे होती है. तो वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना रहता है. इसके अलावा जो भी आपका प्रोडक्ट है, जैसे आपने कहा एग्री, तो इसके लिए आपको एक सर्टिफिकेशन चाहिए रहता है, या बोल सकते हैं कि मेंबरशिप चाहिए रहता है, जिसे हम कहते हैं अपेडा. अपेडा में आपको मेंबर बनना पड़ेगा. जैसे ही अगर आप उसमें मेंबर बनते हैं, वो मेंबरशिप से आपको बेनिफिट होता है कि जो भी प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, वो प्रोडक्ट के ऊपर मिलने वाला इंसेंटिव, जो वो इंसेंटिव मिलेगा वो आप क्लेम कर सकते हो गवर्नमेंट को. तो जो भी आपको इंसेंटिव 5,000 है या 10,000 है या 50,000 है, मगर अगर आपने वो अपेडा का सर्टिफिकेशन नहीं लिया, तो आप ये जो इंसेंटिव है वो क्लेम नहीं कर सकते हैं. ठीक है, और बहुत सारे फील्ड्स हैं. जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं कि आप जो भी वेजिटेबल के लिए कंट्रीज आइडेंटिफाई करें, वो आप नजदीक की कंट्री आइडेंटिफाई करें, क्योंकि आप भी जानते होंगे बहुत कम दिन में ही हमारी जो सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो थोड़ा खराब होने लगती है. राइट, बट चिंता की कोई बात नहीं है. एक्सपोर्ट के अंदर इसके लिए रेफर कंटेनर होते हैं. रेफर कंटेनर क्या होता है कि आपके प्रोडक्ट को वो एक्स वाई जेड कंट्री तक ले जाने की जिम्मेदारी वो कंटेनर की होती है, और वो कंटेनर होता है रेफर. जैसे हम हमारे घर में रेफ्रिजरेटर रखते हैं और उसके अंदर सब्जियां रखते हैं, तो रेफ्रिजरेटर उसको फ्रेश रखता है, वैसा ही कंटेनर होता है, जिससे आपकी सब्जियां या वेजिटेबल प्रोडक्ट सेफ रहते हैं, और जब तक वहां पे जाके ओपन नहीं हो जाते हैं, तब तक उनकी शेल्फ लाइफ वैसी ही रहती है. जैसे ही वो कंटेनर में से बाहर निकलेंगे, उनकी शेल्फ लाइफ जो भी होगी वो शुरू हो जाती है, कि कितने दिन में वहां से खराब होगा. ब
बट नॉर्मली हम लोग कोई भी वेजिटेबल्स लेते हैं तो वो समझ लीजिए कि एक हफ्ते के अंदर खराब हो जाता है नॉर्मली, बट वो एक हफ्ते के अंदर सभी लोग वो वेजिटेबल कंज्यूम कर लेते हैं. सो ये सबसे अच्छी बात है. तो आप कंट्रीज को टारगेट करिए कि जो भी नजदीक की कंट्री है, जैसे मैं कहूँ कि नेपाल हो गया, भूटान हो गया, फिर म्यांमार हो गया, मलेशिया हो गया, श्रीलंका हो गया, दुबई हो गया, ये आप नजदीक की कंट्रीज को टारगेट करेंगे तो जिससे आपका जो वेजिटेबल प्रोडक्ट है वो जल्द से जल्द वो पर्टिकुलर एक्स वाई जेड कंट्री में पहुंचेगा और उसका कंसप्शन होगा. सो आई होप कि मैंने आपको वेजिटेबल्स या फिर एग्री प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी है. अगर आपको इसके अलावा और भी कोई डिटेल्स चाहिए तो प्लीज आप कमेंट करके बता सकते हैं. थैंक यू सो मच.